Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. अंग्रेजों के खिलाफ बिना डरे हर चुनौती को झेलने वाली अरुणा असफ अली ने 9 अगस्त 1942 को ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आज हम 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के नाम से मनाते हैं। आइए देखते हैं। कालका पंजाब में बसे एक बंगाली परिवार में जन्मी अरुणा गांगुली को उनके माता पिता ने अच्छे से शिक्षित किया और एक निडर और इंडिपेंडेंट महिला बनाया। जिस जमाने में महिलाओं के लिए ग्रेजुएशन करके नौकरी करना आम बात नहीं थी, उस समय अरुणा जी ने कोलकाता के गोखले मेमोरियल स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। इसी दौरान 19 साल की उम्र में अरुणा जी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर 42 साल के एक बैरिस्टर असफ अली से शादी कर ली। अरुणा जी के परिवार वाले उनके इस डिसीजन से इतने नाखुश हुए कि उन्होंने अरुणा जी की ओबिचुरी पेपर में छपवा दी और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन असफ अली जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, इसीलिए महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने उनकी शादी अटेंड की और अरुणा जी को एक नया परिवार दिया। शादी के बाद अक्सर असफ अली जी अरुणा को आजादी के संघर्ष की कहानियां सुनाते, जिनसे इंस्पायर होकर अरुणा जी ने 1930 के सॉल्ट सत्याग्रह में हिस्सा लिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत की। इसी सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन वो जेल में भी अपने विचार बेबाकी से रखती थी, जिसकी वजह से वो दूसरे प्रिजनर्स के बीच बहुत पॉपुलर हो गई। ये बात अंग्रेजों को बहुत परेशान करने लगी। गांधी जी ने उसी वक्त गांधी अरविंद पैक्ट साइन किया, जिसके तहत सारे सत्याग्रहियों को जेल से रिहा करना था। अंग्रेजों ने सबको रिहा कर दिया सिवाय अरुणा जी के। इस बात पर उनका समर्थन करते हुए बाकी की महिला कैदियों ने भी रिहाई का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अंग्रेजों की बाजी उल्टी पड़ गई और बाहर अरुणा जी की रिहाई के समर्थन में इतना शोर मच गया कि गांधी जी ने खुद अरुणा जी की रिहाई करवा के मामले को सुलझा दिया। अरुणा जी ने जेल से बाहर निकलकर 1932 में दुगने जोश के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। अरुणा जी ने अंग्रेजों के दिलों में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि वो उनकी हिट लिस्ट में शामिल हो गई थी। अंग्रेजों ने उनका जज्बा तोड़ने के लिए फिर एक बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर अरुणा जी कहां टूटने वालों में से थी। तिहाड़ जेल के भीतर उन्होंने एक नया आंदोलन शुरू कर दिया। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे जानवरों जैसे बर्ताव के खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठ गई। ये जैसे अंग्रेजों के जख्मों पर नमक था। उन्हें अरुणा जी की बात माननी पड़ी और कैदियों को बेसिक राइट्स देने पड़े, लेकिन बौखलाए अंग्रेज ऑफिसर्स ने उन्हें तिहाड़ जेल से निकालकर अंबाला जेल शिफ्ट कर दिया। 2 साल बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए एक काल कोठरी में समय गुजारना किसी की भी हिम्मत तोड़ देगा, लेकिन अरुणा जी तो जैसे किसी और ही मिट्टी की बनी थी। फिर भी वो कुछ दिनों के लिए लाइमलाइट से दूर हो गई। इस बीच आजादी की आवाजें और बुलंद हो रही थी और गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर दी। 8 अगस्त को ग्वालिया टैंक मैदान से नारा दिया गया, अब करो या मरो। इस मूवमेंट को रोकने के लिए अंग्रेजों ने सारे कांग्रेस के लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट वहीं खत्म हो जाएगी। उस वक्त अरुणा जी ने पूरे देश को इस बात का एहसास दिलाया कि आजादी की लड़ाई सबकी है। लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच भागती हुई वो ग्वालिया टैंक मैदान पहुंची और वहां तिरंगा फहराकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में फिर से जान भर दी। आज उनके इस एक्शन की वजह से ग्वालिया टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान बुलाया जाता है और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में पूरा देश सेलिब्रेट करता है। अरुणा जी के इस रिबेलियन ने अंग्रेजों की ईगो हर्ट कर दी थी और बदला लेने के लिए
उन्होंने अरुणा जी की सारी प्रॉपर्टी और एसेट्स को जब्त कर लिया और तो और उनके सर पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। अरुणा जी के पास अंडरग्राउंड जाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था, लेकिन उन्होंने तब भी अपना संघर्ष जारी रखा। वो अंडरग्राउंड रहते हुए भी रेडियो, मैगजीन्स और पैम्फलेट्स की मदद से आंदोलन चलाती रही, जिसने भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाई। अपने निडर स्वभाव से अंग्रेजों की नाक में दम करके भारत को आजादी दिलाने के प्रयास को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने अरुणा जी के जज्बे को सैल्यूट करते हुए 1992 में पद्म विभूषण और 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। आज अरुणा जी को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से बुलाया जाता है। उनका कहना था, वो जो जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं रखता है वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। उनके जीवन का संघर्ष उनके इस संदेश की गवाही देता है।